देखिए मस्जिद में जो तराशा जा रहा है ये सब तलाश रहे हैं मस्जिद में। सरफराज जी जानते हैं कि पश्चिम का दीवार बता रहा है कि नंदी है। मंदिर में मंदिर है, वहाँ मस्जिद थोड़ी ना है। और वहाँ पे पश्चिमी दीवार पर भी एक शिवलिंग तो वजू खाने में मिला है, दूसरा दीवार पर भी एक शिवलिंग मिला। आप बताइए, दीवार पे भी शिवलिंग मिला, वजू खाने में भी शिवलिंग मिला, यही तो तराश रहे हैं, दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो संविधान बना तो हमारे लिए कोर्ट बनाया गया है, और कोर्ट में ये सारे मामले गए हैं। मैं इनके बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये क्या कहता है तंत्र, कोई भी कुछ कहता है, इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से। आपका एक छोटा सा रिएक्शन इस मामले को लेकर, आप निचली अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आऊंगी। पश्चिमी दीवार को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि उसको गिरा देना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, वजू हमें करने दो, नमाज हमें पढ़ने दो। ऐसा है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसने क्लियर कट किया है कि जो फंवारा तथाकथित फंवारा है उस पर रोक लगा दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए, और इनके हाथ पैर धोने के लिए व्यवस्था कहीं दूसरी जगह की जाए। अरे व्यवस्था तो हो रही है ना, उसी से वजू करना है ना आपको, व्यवस्था हो रही है। कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हमने तो वजू खाना सील रहे हैं। बिल्कुल, हम कहाँ बोल रहे हैं, जो फैसला हो गया कोर्ट में हम कहाँ। आप बताइए फिर दिक्कत कहाँ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि लोअर कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, और यहाँ के बाद स्वाभाविक है दूसरा पक्ष हाई कोर्ट भी जाएगा, और वहाँ से ही सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और यह लंबा प्रोसेस तो चल रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि इनको नमाज पढ़ने की अनुमति मिली तो जब तक कोर्ट का फैसला चल रहा हमें भी शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिले, की पूजा का अधिकार मिले, हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये सिद्ध हो जाएगी, यही बात की तो रोना है कि आप कह रहे हैं कि शिवलिंग हम कह रहे हैं। आपका भी आपकी भी बात आस्था की हो रही है सर, कल भी आपके, अरे नमाज पढ़े हम पूजा करेंगे ना, आप नमाज पढ़िए हम पूजा करें। अबे गंगा जमुनी तहजीब कैसा बढ़िया मैसेज, क्या आइए मस्जिद में नमाज भी पढ़िए। नहीं नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो पूजा करेंगे, हमें पूजा का अधिकार चाहिए, नमाज का नहीं चाहिए। मैं सुन रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि नमाज नहीं पढ़ने के लिए, मैं तो कहूंगा कि मेरा पूजा करने का जो अधिकार है, दर्शन करने का अधिकार है, जब हम वो हमें मुझे मिल जाए, क्योंकि वो आज एक दिन का नहीं है, हजारों वर्ष का है इतिहास। अभी मैं एक बात मैं हमारा कहने एक हमारे बहुत बड़े मौजिस नेता है बनारस के शंकर गिरी जी है, मैं इनसे एक मुतवाना दरखास्त करता हूँ, और अपने मौजिद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलेट गंगा जमुनी तहजीब साथ में हमारे हम इसे दुआएं लेते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे वक्फ की संपत्ति, वक्फ का मालिक जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार होता है, हमको अभी मस्जिद का रंग रोगन और निर्माण मरम्मत करने की इजाजत अपनी कह ली, इनकी सुन ली के मुकाबले में रो रही है, कम से कम ये समझा जाना चाहिए।